समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च के दिन विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस विशेष दिन को दुनिया भर की महिलाओं के अधिकारों और उपलब्धियों के सम्मान के रूप में याद किया जाता है। इस अवसर पर संघर्ष सेवा समिति एवं सनशाइन क्लब के तत्वाधान में झोकनबाग स्थित संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम संघर्ष महिला संगठन की अध्यक्ष सपना सरावगी द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिलाओं का तिलक कर माल्यार्पण किया गया एवं शॉल व श्रीफल देकर उनको सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बुंदेलखंड महाविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति वर्मा व प्रोफेसर डॉक्टर दीप शिखा मित्तल, ज्ञान स्थलीय शिक्षण समूह की संचालिका डॉक्टर अर्चना गुप्ता व केंद्रीय विद्यालय की लेक्चरर रंजना उपाध्याय, समाज सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए डॉक्टर केश गुप्ता व नीता माहौर, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सरिता सोनी व आयुष मंत्रालय की सदस्य समाज सेविका व नीम की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रतिभा भार्गव को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि महिला सृजन करता है, वे अपने बच्चों में संस्कारों का बीजारोपण करती है। एक सुखी परिवार के लिए आवश्यक है महिला सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो और परिजनों का भरपूर सहयोग मिले। डॉक्टर दीपिका मित्तल ने कहा कि प्रत्येक महिला का कर्तव्य कि वे अपने बच्चों को शिक्षा के साथ दीक्षित भी करें। वर्तमान समय में कई बच्चे असफल हो जाने के कारण आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। यदि उनकी माँ बहनें उन्हें अच्छे संस्कार दें तो यह सब रोका जा सकता है। ज्योति वर्मा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ आज महाशिवरात्रि का भी पर्व है। शिव और पार्वती के अर्ध नारीश्वर के रूप की तरह महिला और पुरुष के बराबर सहयोग से ही सृष्टि अपने सुंदरतम रूप को प्राप्त कर सकती है। प्रत्येक महिला अपने घर की धुरी होती है, इसलिए उसका प्रेममय होना घर के पुरुष सदस्यों का नैतिक कर्तव्य है। प्रोफेसर अर्चना अवस्थी ने कहा कि एक सुसंस्कृत महिला ही योग संताने अवतरित करती है। वही एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकती है जो हमारे समाज को सही दिशा और दशा की ओर अग्रसर कर सकता है। डॉक्टर केश गुप्ता ने कहा कि सनातन धर्म में आदिकाल से ही महिलाओं को उच्च स्थान दिया जाता रहा है। सुसंस्कृत परिवारों में महिलाओं को सदैव सम्मान दिया जाता है, उसके लिए कोई विशेष दिन की आवश्यकता नहीं है। संघर्ष महिला संगठन की अध्यक्षा सपना सरावगी ने कहा कि झांसी वीरांगनाओं की धरती है। यहाँ की महिलाओं ने पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में जनपद का नाम रोशन किया है। आज समाज को उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को हम सम्मानित कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। संघर्ष महिला संगठन के माध्यम से हम महिला सशक्तिकरण पर लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, साथ ही महिलाओं को सांस्कृतिक रूप से सक्षम बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं। वहीं संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी आगंतुकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बुंदेलखंड की धरती ने योग्य व ताकतवर महिलाओं को जन्म दिया है। आज हमने जिन जिन महिलाओं को सम्मानित किया है, वे अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए समाज के समक्ष एक योग्य उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। बस आवश्यकता है उनका उत्साहवर्धन करने की। हम संघर्ष सेवा समिति के माध्यम से ऐसी महिलाओं का उत्साहवर्धन करने का प्रयास करते रहते हैं, जिससे वे अपने कार्य का और अधिक कुशलता के साथ निर्वहन कर सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक अग्रवाल ने की एवं आभार सपना सरावगी ने व्यक्त किया।